हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में। देखो, कोशिका भित्ति सेल वॉल है ये मोनेरा जगत वाले में पाई जाती है, जिसमें हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन उसमें बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। सॉरी, इसमें पेप्टिडो होगा, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और प्रोटिस्टा में, कुछ प्रोटिस्टा में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती, उनमें वैरायटी होती है। जो मैंने आपको जगत प्रोटिस्टा पढ़ाया था उसमें बताया हुआ है डिटेल से। उसके बाद में जो फंजाई है, यानी जो कवक होते हैं, कवक, ठीक है, उनमें बनी होती है किसकी, काइटिन की। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है। और फिर हम पढ़ते हैं पादप, यानी यूकेरियोटिक कोशिका है पादप की कोशिका, और फंजाई कवक की कोशिका भी यूकेरियोट होती है, ध्यान रखना है, और प्रोटिस्टा की भी। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्लांटी जो है, जगत प्लांटी, पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कैसी होती है। तो देखें, हमारे पास दो कोशिकाएं हैं, दो पादप कोशिका है, ए कोशिका और हमारे पास बी कोशिका है, ठीक है। इनमें पाई जाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब ये कोशिका भित्ति होती है, ये चार टाइप की होती है। सबसे पहले है, उसको हम पढ़ेंगे, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। अब मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला क्या होता है कि हमारे पास दो पादप कोशिकाएं हैं, दो प्लांट सेल है, उनके बीच में एक जो कॉमन भाग होता है, उभयनिष्ठ भाग होगा, दोनों के अंदर एक ही पाई जाती है, ये है हमारे पास मध्य पटलिका, ठीक है, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला। ये किसकी बनी होती है, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो मध्य पटलिका है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, दो पादप कोशिकाओं के बीच की कॉमन संरचना है, कॉमन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब ये जो जैसे फल होते हैं, ठीक है, फल की जो कोशिका की मध्य पटलिका है, ये पक जाने पर फल पक जाते हैं, यानी ये कोशिका भित्ति है इनकी मध्य पटलिका, ये घुलित हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है, इसकी वजह से पके हुए पिलपिले हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वो है प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब जो ये मध्य पटलिका है, उसके अंदर की ओर ये वाली जो मैंने ब्लू कलर से इसमें दिखाया हुआ है, ये है इनमें क्या, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी शेल वॉल, प्राइमरी शेल वॉल है ये, ठीक है। अब ये प्राइमरी शेल वॉल होती है, ये बनी होती है किनकी, सेल्यूलोज की, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, ये सबकी बनी होती है कौन सी, प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो देखो, प्राथमिक कोशिका भित्ति की संरचना हम देखें तो हमें ऐसे दिखाई देगी। ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये हमारे पास है मध्य पटलिका, ठीक है, मिडिल लेमिला। और ये जो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखाया है, ये जो मैंने यहाँ पर भी दिखाया ब्लैक कलर से, ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है, और हमारे पास मध्य पटलिका है, यानी सेल मेम्ब्रेन है और मिडिल लेमिला है, इनके बीच में स्थित होती है कोशिका भित्ति। अब कौन सी कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मिडिल लेमिला एंड सेल मेम्ब्रेन, प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ठीक है, ये मध्य पटलिका और कोशिका झिल्ली के बीच में है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण हुआ है रेशों से, ये है रेशे, जिनको हम बोल देते हैं फाइब्रिल, ठीक है। और इनके साथ साथ में इनमें पाए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पर ये दिखाया है, ये है हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, और जो ब्लू कलर से जो इनको आपस में रेशों को जोड़ने का काम करेगा वो है पेक्टीन, पेक्टीन। इनके अलावा जो इसके अंदर भाग रहेगा चारों तरफ का, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। तो मेन चीजें इसके अंदर दो होती है, मैट्रिक्स से होती है, आधात्री भी कह सकते हो आप हिंदी में, और दूसरा होता है रेशे, आधात्री और रेशे। इनके अलावा मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, पेक्टिन है, हेमी सेल्यूलोज है, ग्लाइकोलिपिड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये रेशे किससे बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 3000 सेल्यूलोज के अणु है, सेल्यूलोज, ठीक है, लगभग 3000 ग्लूकोज के अणु है, ठीक है, ये जुड़कर बनाते हैं एक अणु सेल्यूलोज का, क्या बनाएंगे, सेल्यूलोज बनाएंगे। फिर सेल्यूलोज के 100 अणु मिशेल, मिशेली संरचना, मिशेल बनाते हैं। फिर ये लगभग 20 अणु जुड़कर बनाते हैं माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, और लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल, 250 माइक्रोफाइब्रिल है ये जुड़कर फाइब्रिल या रेशे बनाते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं,
3000 ग्लूकोज के अणु लगभग मिलकर क्या बनाएंगे, सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सेलुलोज का लगभग 100 मॉलिक्यूल्स मिलकर, 100 अणु मिलकर मिशेल बनाते हैं, एक लगभग 20 मिशेल मिलकर बनाएंगे माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल है ये 250 मिलेंगे और ये मिलकर बनाते हैं फाइब्रिल या मैक्रोफाइब्रिल। इनको मैक्रोफाइब्रिल भी बोलते हैं, वृहद रेशे या वृहद तंतुक भी कहते हैं, या मैक्रोफाइब्रिल या फाइब्रिल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये इनकी संरचना बनती है। अब हम आ जाते हैं, इनमें द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है तीसरे टाइप की। अब ये क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं ये दृढ़ दृढ़ोतक, आपने नाम सुना होगा जो मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ाया हुआ है, दृढ़ोतक, ठीक है, स्क्लेरेन काइमेटिक्स हो जाती है। तो उनमें क्या होता है, यहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव शुरू हो जाता है, ठीक है। किनका जमाव, लिग्निन है, सुबेरिन है, इनका जमाव शुरू हो जाता है कोशिका भित्ति के अंदर की साइड में, ये है लिग्निन। अब लिग्निन के जमाव होने से क्या होता है, लिग्निन है ये पानी के लिए अपारगम्य होती है, इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, इसे पानी अंदर नहीं जाएगा और ये कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी, और ये मृत कोशिका हो जाएगी दृढ़ोतक बना लेती है। हमने पढ़ा था दृढ़ोतक की कोशिकाएं हैं स्क्लेरेन काइमी सेल्स होती है, डेड सेल्स होती है, तो मृत कोशिकाएं बना लेती है। तो इनमें क्या हो जाएगा, लिग्निन का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो लिग्निन का जमा होने से क्या बन जाएगी, द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है। तो मेनली अधिकतर पादपों में केवल तीन ही टाइप की होती है, एक एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, और ये किन में पाई जाती है वो इंपॉर्टेंट है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, उनकी जो वाहिनिका होगी, वाही निका, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वेशल्स, उसके अंदर पाई जाती है तृतीय कोशिका भित्ति। और ये बनी किसकी होती है, ये जाइलेन की बनी होती है, जाइलेन की, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो ये हो गए हमारे पास कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति काम क्या करती है, ये कोशिका के सुरक्षा का काम करेगी, उसको आकार प्रदान करने का काम करती है। देखो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो पानी प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे आरबीसी को हम शुद्ध जल में रख देते हैं, अशुद्ध जल में रख देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में रख देते हैं, तो ये कोशिकाएं आरबीसी फट जाती है, लेकिन पादप कोशिका फूल जाएगी, फटेगी नहीं। क्यों नहीं फटेगी, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये उनको दृढ़ता प्रदान करेगी, यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये थी कोशिका भित्ति, जल्दी से हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोशिका भित्ति होती है ये मोनेरा में भी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, प्रोटिस्टा में अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे क्राइसोफाइटा है उनमें सिलिका की बनी होती है, फंजाई जो कवक है उसमें काइटिन की बनी होती है जो कार्बोहाइड्रेट है, पादप में किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। यहाँ पर हम पादप की कोशिका भित्ति पढ़ने वाले हैं। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है चार प्रकार की, मेनली तो तीन टाइप की ही होती है, ये केवल एक्सेप्शन के रूप में जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, मेनली तीन टाइप की है। तो मध्य पटलिका, दो आसन कोशिकाएं, दो एडजेसेंट सेल है, जो पास पास मौजूद कोशिकाएं हैं उनके बीच में पाई जाती है, पर बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की, ये घुलने पर फल है, ये पक जाते हैं। दूसरा है प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये मध्य जो पटलिका है और जो कोशिका झिल्ली है उनके बीच में पाई जाती है, और ये बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पेक्टिन की, जो कार्बोहाइड्रेट्स है। हम इसकी संरचना देखते हैं तो ये बना होता है दो चीज़ों का, रेशो का, फाइब्रिल्स का बना होता है और मैट्रिक्स का बना होता है। फाइब्रिल जो होता है, रेशे जो होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो लगभग 3000 अणु ग्लूकोज के जुड़कर क्या बनते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, एक अणु सेलुलोज का बनाएंगे, फिर 100 सेलुलोज के अणु जुड़कर, 100 सेलुलोज के मॉलिक्यूल जुड़कर एक मिशेल बनाते हैं, इंग्लिश का नाम भी इसका ही मिशेल है, ध्यान रखना है, मिशेल बनाते हैं, फिर बहुत दो लगभग 20 मिशेल मिलकर माइक्रोफाइब्रिल बनाएंगे, फिर लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर फाइब्रिल या मैक्रोफाइब्रिल बना लेते हैं, ठीक है, जो ये रेशे बनेंगे, ठीक है। इनके बीच में पाया जाता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर होता है हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, पेक्टिन, इनके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ के अंदर, जैसे हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो यहाँ सिलिका भी प्रेजेंट है, टेनिन, रेजिन, ये सब भी इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जब कोशिकाओं के आकार बढ़ने लगता है, उस कोशिकाओं की उम्र बढ़ने लगती है, तो उनमें क्या होता है, कोशिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होने लग जाता है, तो अब ये कोशिका कहलाएगी द्वितीयक कोशिका भित्ति कहलाएगी। लिग्निन जल के लिए अपारगम्य होती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, पानी अंदर नहीं आएगा, पानी की कमी से कोशिकाएं मर जाएगी, कोशिका मरने से क्या हो जाएगा, हम उसको बोल देंगे दृढ़ोतक कोशिकाएं बन चुकी है। जाइलम के अंदर जो वाहिनिका होती है, ठीक है, जाइलम के अंदर, किनके जाइलम, जिम्नोस्पर्म के जाइलम की जो वाहिका होती है उसमें पाया जाता है जाइलेन से बनी हुई तृतीयक कोशिका भित्ति। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है प्लाज्मोडेस्मेटा। कौन जोड़ता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, इंग्लिश का नाम भी यही है, प्लाज्मो डेसमेटा, दो पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसमें तंतु पाए जाते हैं इस तरह, जिसका नाम होता है डेस्मोट्यूब्यूल्स, डेस्मोट्यूब्यूल
उनका नाम होता है, ठीक है, डेस्मोट्यूब्यूल्स। अब इनसे क्या होता है, इन दोनों का जीव द्रव्य एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहता है, इनका जो जीव द्रव्य का कोई भाग है वो इसके अंदर आ सकता है, इसका इसमें आ सकता है, इस प्रकार ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, संचार का माध्यम है ये। तो इस ओके तो अब हम स्टडी करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, जो कोशिका होती है उसके चारों ओर इस तरह जो परत पाई जाती है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसके बाहर की ओर होती है कोशिका भित्ति, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका झिल्ली चाहे हमारे अंदर हो, चाहे बैक्टीरिया के अंदर हो, या कवक फंगस के अंदर हो, या पौधों के अंदर हो, सबके अंदर कोशिका झिल्ली सेम होती है। कोशिका झिल्ली होती है ये चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी सिलेक्ट करती है किसको कोशिका के अंदर जाने देना है और किसी को कोशिका को बाहर आने देना है। इसके अलावा ये सेमी परमिएबल भी होती है, अर्ध पारगम्य भी होती है। ये चयनात्मक पारगम्य और अर्ध पारगम्य क्या होता है उसके बारे में जब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो पता जाएगा। तो देखें दो साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्रेमर और नागिल, ठीक है, हिंदी में नाम लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इनका नाम है क्रेमर और नागिल, ठीक है। इन्होंने इनको कोशिका कला, इनको नाम दिया था क्या, कोशिका कला नाम दिया, जिनको हम बोल देंगे शेल मेम्ब्रेन नाम दिया। और एक साइंटिस्ट दूसरे है जिनका नाम है प्लो, और प्लो ने इनको नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल देंगे प्लाज्मा कला, कला यानी झिल्ली मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अलग अलग इसकी संरचना के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए थे। सबसे पहले मॉडल दिया गया सैंडविच मॉडल, ये दिया है डेनियली और डेवशन, दो साइंटिस्ट है डेनियली और डेवशन, ठीक है, उनके द्वारा ये मॉडल दिया गया। अब उन्होंने क्या कहा, जैसे सैंडविच होता है ना उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनमें क्या होता है ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, नीचे प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में लिपिड की दो परतें पाई जाती है, लिपिड की ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसकी, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की। किसने कहा था, डेनियली और डेवशन ने सैंडविच मॉडल, लेकिन ये मॉडल है ये सही नहीं था। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्टसन, रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया उसको कहते हैं इकाई कला मॉडल। इन्होंने भी यही कहा था सेम कि इनमें ऊपर और नीचे प्रोटीन लेयर है, ठीक है, प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में इनमें पाया जाता है लिपिड, ठीक है, वसा, लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा होता है, ठीक है, तो लिपिड पाया जाता है, उनकी दो परतें होती हैं और ये एक झिल्ली के रूप में ही काम करती है, एकल झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन के फॉर्म में काम करेगी। अब देखो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया यानी क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, जिनमें झिल्ली पाई जाती है, वो झिल्ली सबकी संरचना कोशिका झिल्ली जैसी संरचना होती है, सबकी अलग अलग नहीं होती। जो कोशिका झिल्ली की संरचना है सेम संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है उसमें है, वैसी संरचना क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली में है, लाइसोसोम की झिल्ली में है, गोल्जी काय गोल्जी बॉडी की झिल्ली में है, अंतःपरद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा मॉडल है वो है इनका तरल मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो दो साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन, हिंदी में नाम लिखना चाहें तो आप ये नाम है इसका सिंगर व निकोलसन, ठीक है। तो इनके द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया, तरल मोजेक मॉडल, और कोशिका झिल्ली की संरचना बताई कैसी होती है। तो इन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली है ये फॉस्फोलिपिड की दो परतों से मिलकर बनी होती है, द्विस्तरीय हम बोल सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय संरचना होती है, बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है, दो परत होती है, ठीक है, इस तरह। और एक फॉस्फोलिपिड की संरचना देखें तो ये फॉस्फोलिपिड है हमारे पास, तो इसमें एक सिरा होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक और एक सॉरी हाइड्रोफोबिक, और एक सिरा होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब आप कह सकते हो जल विरागी, जल से दूर भागने वाला, जल विरागी यानी पानी से स्नेह नहीं रखेगा, ये तेल है तेलीय चीजें उनसे स्नेह रखता है, और ये होता है जल स्नेही यानी पानी में घुल जाएगा, जल से स्नेह रखता है। तभी तो अगर हम कोशिका झिल्ली को पानी में डाल दें तो वो ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे एक संरचना बना लेता है, ऐसे गोलाकार संरचना बना लेता है कोशिका झिल्ली का, ये जो फॉस्फोलिपिड भाग है उसको पानी में डाले तो ऐसी संरचना बनाता है, जिसको हम कहते हैं लिपोसोम। लिपो का मतलब होता है लिपिड, वसा, और सोम का मतलब काय, वसा से बना हुआ काय, लिपोसोम कह देते हैं, इसका नाम भी सेम ही है लिपोसोम, उसको कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा इनमें पाई जाती है प्रोटीन, ठीक है, पहला हो गया क्या, फॉस्फोलिपिड की दो परतें पाई जाती है, जिसमें जो शीर्ष भाग है हेड भाग है जो मैंने आपको बता दिया कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक है, और जो पूंछ भाग है ये होता है जल स्नेही यानी जल से स्नेह रखने वाला, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। अब इनके अलावा पाया जाता है इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक तो कहलाता है परिधीय प्रोटीन और दूसरा कहलाता है अंगभूत प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, दो प्रोटीन है। इंट्रिंसिक यानी इन यानी अंदर, ये अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं, फॉस्फोलिपिड की लेयर में अंदर धसे हुए रहते हैं, और परिधीय यानी बाहर की ओर है, एक्स नाम आना देखे इसमें एक्सट्रिंसिक, ये बाहर की ओर होते हैं, कोशिका जैसे कोशिका है ये, ठीक है, ये इसका बाहर आंतरिक भाग है, कोशिका का आंतरिक भाग है और ये कोशिका का बाहरी भाग है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ ये बाहरी भाग है कोशिका का, एक्सटर्नल पार्ट है, और ये कोशिका का आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह है कि इनमें जो पाई जाती है प्रोटीन, ये बाहरी भाग की तरफ भी होती है और आंतरिक भाग की तरफ भी होती है, दोनों साइड में ये पाई जाती है। ये कौन सी प्रोटीन होगी? परिधीय प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन, या इनको पेरीफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, पेरीफेरल प्रोटीन होता है, ये भी इनका नाम होता है परिधीय प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन क्या काम करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ आपको। इनके अलावा इनमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल भी, जो मैंने रेड कलर से इसके अंदर दिखाया है, ये क्या है, इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। यानी कोशिका झिल्ली बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत होती है। हम कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, बगैर कोलेस्ट्रॉल की हमारी कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा, कोशिका बनेगी ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जैसे होता है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड वाला है ये अच्छा नहीं होता, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी कोशिका की झिल्ली बनाने के लिए जरूरी होता है। तो हमारी हर एक कोशिका की जो झिल्ली बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अभी कोलेस्ट्रॉल काम क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ये लचीलापन प्रदान करता है कोशिकाओं में, दृढ़ता प्रदान करता है और तरलता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा का मतलब इतना भी नहीं कि 100-200 डिग्री हो गया, जैसे 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया, उस समय हमारी कोशिका पिघलती नहीं है, तो पिघलने से बचाने का काम कौन कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। और टेम्परेचर मान लो डाउन भी हो गया, जैसे मान लो 0 डिग्री तक पहुंच गया, उस समय हमारी कोशिकाएं जमती नहीं है, तो उस समय भी इसको जो है लचीलापन प्रदान करने का काम कौन करता है? तरलता, फ्लूडिटी प्रदान करने का काम कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल ही करता है। कभी आपने देखा होगा कि जैसे दिखाते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गर्म तेल में पकौड़े तल रहे हैं, पकौड़ियाँ तल रहे हैं, और उनको हाथ डालकर उनको निकाल लेते हैं, उनके तेल उनका प्रभाव नहीं होता, तो उसका रीज़न यही होता है कि उनकी जो त्वचा की कोशिकाएँ हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, ताकि उनमें तरलता और लचीलापन उनको ज़्यादा मिल गया। ठीक है, अब इनके अलावा क्या पाया जाता है? इनके अलावा पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब इनका मतलब क्या हुआ? देखो, ग्लाइको जहाँ पर भी नाम आता है इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये प्रोटीन के साथ भी जुड़ा हुआ रहे तो ये है इनका नाम ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये देखो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, यहाँ वसा से जुड़ा हुआ है, लिपिड से जुड़ा हुआ है, तब हम इनको बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? कोशिका की पहचान करने का कार्य करता है, कोशिका की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जैसे मैंने आपने कभी पढ़ा होगा या मैंने बताया भी है कई वीडियो में पीछे में कि आरबीसी के ऊपर एक प्रतिजन पाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम उनको कह देते हैं ये इनका ब्लड ग्रुप ए है। किसी में आरबीसी है उसके ऊपर दूसरा प्रतिजन पाया जाता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं बी। किसी में आरएचएनटी प्रतिजन पाया जाता है। तो ये प्रतिजन क्या होते हैं? ये प्रतिजन इनकी आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन ही है। इससे पहचान होती है कि कोशिका कहाँ की है। जैसे मान लो बैक्टीरिया कोशिका अपनी बॉडी में गई तो वो हमारे शरीर की नहीं होती, तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र उसकी पहचान करता है, तो पहचान करने के लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन ही ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। अब मैंने कहा था प्रोटीन के बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे बाद में। तो देखिए, प्रोटीन इसके अंदर जो पाई जा रही है ये प्रोटीन क्या काम करती है? एक तो ये पहचान के लिए भी काम करेगी बाहर से आइडेंटिफिकेशन में, इनके अलावा किसी भी चीज़ को कोशिका के अंदर जाना है या कोशिका से बाहर आना है तो उसके लिए पंप जैसा काम करेगी। जैसे मान लो ये हमारे पास कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर जल को अंदर जाना है तो जल को अंदर जाने के लिए इसमें प्रोटीन रहेगा, ये प्रोटीन इनके थ्रू होकर जाएगी, जिनको कहा जाता है चैनल्स कहते हैं, पंप कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे नाम होते हैं इनको, चैनल्स या पंप कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एक होता है पोरिन, एक्वा पोरिन पूरा नाम होता है उसका, एक्वा पोरिन, एक्वा यानी पानी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में एक्वा पोरिन बोलकर इस तरह प्रोटीन पाई जाती है, जिनके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पानी जाएगा या जो जल है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो है आने जाने में हेल्प कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था चयनात्मक पारगम्य में, प्लस ये क्या होती है? अर्ध पारगम्य में भी होती है। ठीक है, अर्ध पारगम्य में, अब अर्ध पारगम्य में यानी सेमी परमिएबल जिसको हम कह देते हैं। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है? देखो, एक क्लास है, इस क्लास में गेट लगा हुआ है और हमने यहाँ पर किसी मॉनिटर को बिठा दिया। अब ये मॉनिटर क्या कर रहा है कि जैसे क्लास के अंदर बॉयज है उसको बाहर भी आने दे रहा है और अंदर भी जाने दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्ल्स है उनको ना तो ये कोई अंदर गर्ल्स उसको बाहर जाने दे रहा है और जो कोई बाहर गर्ल्स है उसको अंदर आने दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? बॉयज और गर्ल्स में चुनाव कर रहा है। देखो, चुनाव नहीं कर रहा, केवल बॉयज बॉयज को आने देने दे रहा है और किसको आने नहीं दे रहा? गर्ल्स को। तो इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य है। तो देखो, जल है वो कोशिका के अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये अर्ध पारगम्यता प्रदान करता है लिपिड भाग, ये जो लिपिड भाग है इसको पारगम्यता प्रदान करता है। अब देखो, इसको दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये जो हमने मॉनिटर बिठाया है ये क्या करता है? कोई बॉयज है उसको अंदर भी आने दे रहा है और बाहर भी जाने दे रहा है, कुछ गर्ल्स है कुछ गर्ल्स को अंदर आने दे रहा है और बाहर जाने दे रहा है। ठीक है, यानी जिनको एक अच्छी फ्रेंडशिप है उनको सब गर्ल्स को अंदर और बाहर आने जाने दे रहा है। फॉर एग्जांपल कि जैसे 100 बच्चे हैं उनमें से मान लेते 50 गर्ल्स है 50 बॉयज है, तो ये क्या कर रहा है? कुछ 10 बॉयज है इसके जानकार दोस्त ज्यादा फ्रेंडशिप है उनको बाहर भी आने दे रहा है अंदर भी आने दे रहा है, और ऐसे गर्ल्स में भी 50 है
ठीक है, या 10 मान लेते हैं 50 में से, तो उनमें भी बाहर भी जाने दे रहा है और अंदर भी जाने दे रहा है। तो ये चयन कर रहा है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, चयन कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। तो वैसे ही अपना ये जो प्रोटीन है ना, ये सेलेक्ट करता है, चाहे वो पानी हो या पानी में घुले हुए कोई भी चीज़ हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या कोई मिनरल्स हो, आयन हो, सबको। तो चयन करेगा किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर आने देना है। तो ये करके तो हम एक चीज़ ये भी जान लेते हैं इनमें कि देखिए प्रोटीन और जो लिपिड है इसके अंदर कोशिका झिल्ली में, उनका रेशियो अलग अलग होता है। सामान्य कोशिका में 50% प्रोटीन है, 50% लिपिड होता है। लेकिन न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, 50% तो प्रोटीन है और 30% ही लिपिड होता है। लेकिन अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी के अंदर क्या होगा, लगभग 52% भाग है ये प्रोटीन है, प्लस लगभग 40% भाग है ये लिपिड है, और बाकी अन्य भाग होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ें। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।